बीते कल हुशियारपुर तो विधायक ते कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा के समागम च पत्रकारों वालों की जा रही बिजली की चोरी की फड़ ली तो इस तों बाद सत्ता के नशे च चूर मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा वालों मीडिया नूं सीधे तौर पर धमकाना शुरू कर दिता गया, जिस तों बाद मीडिया कर्मियों भी मंत्री की इस हरकत नूं लैके काफ़ी ज़्यादा रोस पाया जा रहा है। अज हुशियारपुर तो भारतीय जनता पार्टी के वड्डे आगू ते साबका कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान मीडिया के हक च नितरदिया होया कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा की इस घिनौनी हरकत की जिथे सख्त शब्दों च निखेधी की, उत्थे तीक्षण सूद ने कहा कि जदों इंदिरा गांधी वालों एमरजेंसी लगा के मीडिया का गला घोटिया गया सी तां इस तों बाद इंदिरा गांधी नूं भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया सी। उन्हां कहा कि प्रैस की आज़ादी नूं इस तरह नाल धमकियां दे के दबाउणा किसी भी तरह नाल जायज़ नहीं है। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। कल तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिदे विच एक बड़े अच्छे प्रोग्राम दे विच साढ़े लोकल मिनिस्टर श्री ब्रह्मशंकर जिंपा जी वो सरेआम प्रेस नूं धमकियां दे रहे हैं। देखो हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर आम आदमी पार्टी दे कल्चर चा जां दे संस्कृति चा जां सुभाव चा ये जो कहिंदे ओह करदे ने, झूठ बोलना इन्हां दी आदत है। ब्रह्मशंकर जिंपा जी जदों MLA नहीं चुने गए सी सवेर तो शाम तक धरने मुजहरे करते सी, प्रेस का सहयोग लेते सी और प्रेस ने इन्हां नूं बड़ी उच्ची कुर्सी ते बड़े उच्चे अहुदे ते बिठाता क्योंकि प्रेस ओपीनियन मेकर प्रेस लोकतंत्र का चौथा थम एक गल भुलनियां नहीं चाहीदियां। हुण याद होना कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा के प्रेस का गला घुटिया सी क्योंकि इंदिरा गांधी का नामो निशान मिट गया सी। सो प्रेस की ताकत नूं ये लोग ने बंद ने पछाणिया नहीं और इशू भी बिल्कुल बड़ा साफ सुथरा सधारण सी कि थोड़े विचों ही एक पत्रकार भरा ने उन्होंने अपॉइंट किया कि तुसी बड़ी साफ सुथरी राजनीति की गल करते हो तो थोड़े इस प्रोग्राम के विच ही बिजली चोरी हो रही है कुंडी लग उन्होंने बेवजह बेबुनियाद सफाइयां देने की भी कोशिश की है। मीटर लगाया तीन फेस का आया मोटर वो चलती है पर इशू सगा कि जोड़ा उत्तर साउंड सिस्टम आंडी लगी हुई जी असी मीडिया च देखी है और एक बेकार जनरेटर भी पिया देखा जिन्हों कनैक्ट नहीं सी। ये मंत्री साहब दी बदनीयत ना होंदी नेक नीति होंदी तो प्रेस नूं झटके देने की बजाय प्रेस नूं धमकियां देने की बजाय प्रेस नूं चंगा माड़ा बोलने की बजाय वो उस बंदे नूं ये सारा कुछ बोल दे जिन्हें गैर कानूनी ढंग नाल वो बिजली का कनैक्शन कुंडी ला के चलाया सी। इत्थों ही पता लगता कि जो कुछ होया मंत्री की सहमति नाल होया मंत्री की सहमति सी तां ही उन्हें उन्हूं प्रोटैक्ट किया जिस बंदे ने उन्होंने कहना चाहिए तू क्यों किया मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई कराना और कार्रवाई करवानी चाहिए सी ताकि अगे नूं किसी की जरूरत ना पवे। इस तरह चाहे वह किस पिंडे मर्जी VIP का प्रोग्राम होवे कुंडियां ला के प्रोग्राम करने की जरूरत ना पवे। सो एक मौका सी मंत्री नूं ये अपनी साफ कोई देने का कि असी किसी तरह की भी बिजली चोरी या होर इलीगल काम के खिलाफ हाँ। उन्होंने उल्टा प्रेस में ही सनब भी किया और प्रेस से धमकी दी तो थोड़ा देख लाँगे जो भी सीरियस तो सीरियस धमकी हो सकती उन्होंने दी है। सो इन हालत मैं समझता कि जी आम आदमी पार्टी आतों भी नहीं भला हो सकता तो प्रेस का भी नहीं भला हो सकता। महज वे वे इश्तहार अखबारों से देना यह समझते कि असी प्रेस पता नहीं खरीद ली है पर अपने देश की प्रेस जी विकती नहीं है।
इश्तहार देना इन्हों प्रेस रूम देना तो प्रेस रूम ही देना है सो दे कोई सिलेक्शन तो हो नहीं सकती सो जो होया वो बहुत मंदभागा होया जो होया बहुत शर्मनाक होया वो कल्ली मंत्री जी वास्ते आम आदमी पार्टी वास्ते शर्म की गल नहीं पूरे हुशियारपुर वास्ते शर्म की गल आ हुशियारपुर की प्रेस में इस तरीके सुनब किया गया और इस तरीके हुशियारपुर की प्रेस की बेइज्जती की गई और उन्होंने धमकियां दी गई मीडिया ने सवाल तो लोगों के हित च मुद्दे चकने होंगे सवाल जड़े होंगे सिलेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता उन्हीं नहीं कर रहे होंगे वो तो फिर जिदा कह देंगे भाई अरेंज्ड प्रेस हैगी है राहुल गांधी भी करता रहा भारत यात्रा जोड़ने दौरान चुनवे प्रेस रिपोर्टर बनाने चुनवे प्रेस पहले सवाल उन्होंने करने एक गलत तरीका ये प्रेस के नाम का मिसयूज है मैं कह सकता प्रेस के नाम का मिसयूज है प्रेस में हमेशा खुला सद्दा होंदा सी अज तुसीं आए हां असीं सारी प्रेस नूं हुशियारपुर दे नूं खुला सद्दा दित्ता जिन्हें आना आओ तुसीं जिहड़े सवाल पुछदे हो भी असीं ने सिलेक्ट करने सवाल तुहाडे आ जवाब मैं देना मैं जिद्दां मर्जी देवां पर इरीटेट होकर धमकाना ये अहंकार भी दिखाता है मंत्री जी का गल उही है ना किसानी अंदोलन दौरान तुहाडा भी बहुत ज्यादा विरोध होया सी इत्थे तक तुहाडे घर दे अंदर कोई निकल नहीं सुन दित्ती गई सी मीडिया ने उस वक्त ही मुद्दा चुकया सीगा अपनी ड्यूटी करते हो किसी ना कोई एहसान करते हो ना किसी विरोध करते हो मीडिया ही मुद्दे चुकता अखीर तक जे अज बिजली चोरी का मुद्दा किने होर चुकना सी मीडिया एक एक डेमोक्रेसी का चौथा थम है जो एक लोकतंत्र मजबूत करने वास्ते थम है सो चुक मुद्दे तो चुकने मीडिया की ड्यूटी है ना मतलब मीडिया को चुकने भी चाहिए आ देखो जाति लिहाज किसी के भी किसी ना हो सकती मेरी थोड़े ना हो सकती है पर ड्यूटी तो अपनी अपनी सबने करनी है ना असी अपनी करनी है तुसी अपनी करनी है पर धमकियां कितों आ गई डरावे कितों आ गए किसी अपशब्द बोलने वो कितों आ गए मैं नहीं समझ आई आम आदमी पार्टी सरकार आई है लगता नहीं है जो तो इंडिया उन्होंने खिलाफ खबर लाता है जो उन्होंने खिलाफ बोलते हैं उन्होंने सभी इंडिया जो चैनल बंद कर दिए हैं अखबार बंद कर दिए स्टैप बंद कर दिए सब देखो भगवंत मान तो है तो ब्रह्मशंकर जिप्पा तो पहला भगवंत मान ने भी एक मैं देखा सी वो काफ़ी वायरल होया सी प्रेस नूं सनब करदे एक पत्रकार नूं कहा भाई तू ठेका लिया तू ही खबर तुसीं किसी का जवाब देना नहीं देना जवाब किदां देना वो अलग इशू है पर किसी को सनब करना भी तू ही ठेका लिया ये नहीं प्रॉपर नहीं है शहर के बंदे ट्रेनिंग नहीं है शहर के बंदे सिस्टम का नहीं पता शायद इन्हों मीडिया की वैल्यू नहीं पता जोड़े इस तरह के काम करते हैं मैं तो थोड़ा इंदिरा गांधी की एग्जाम्पल दी एड्डी पावरफुल लेडी सी मीडिया उन्हें गला टुट के सारा कुछ अपना उन्हें तबाह कर लिया कांग्रेस के हथों सत्ता जाती रही इंदिरा गांधी के हथों सत्ता जाती रही अज तक खुद देखा मीडिया ने उन्हें किन्ना तंग किया ट्रैक्टर नालों अखबारा छपदियां होंदियां सी सो बहुत मंदभागा होया ये कुछ वी आर अ मल्टीकल्चरल नेटवर्क कम्युनिटी वी ग्रूम कॉम्पिटेंट ग्लोबल सिटीजंस टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज अराउंड देम